उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के सायरा के विस्मा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधायक प्रत्याशी प्रताप बिल के समर्थन में सभा कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राजे ने सभा में कहा कि जनता ने कांग्रेस को विदाई कर देने का मन बना लिया है, साथ ही प्रदेश की में भाजपा सरकार बनने जा रही है, और उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं बल्कि ठोस और पक्के इरादे के साथ चुनाव मैदान में उतरी हैं। राजे ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में किए वादे अभी तक पूरे नहीं किए हैं, अब वह अपने अंतिम समय में झूठ की गारंटी से जनता को भ्रमित करना चाहती है, पर जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। राजे ने कहा कि जो योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की उन पर कांग्रेस सरकार ताले लगा दिए हैं। राजे ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि प्रदेश में अस्पताल और स्कूल तो है लेकिन इनमें पढ़ाने के लिए डॉक्टर और शिक्षक नहीं है। कांग्रेस सरकार ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 56.5 करोड़ की वसूली की और जाते जाते 100 यूनिट बिजली फ्री लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है इसलिए वे अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आएगी। राजे ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारे कार्यकाल में 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदले जाते थे, वहीं अब 72 दिन में भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं और नए खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। कांग्रेस के 5 सालों के राज में बहन बेटियों के स्वाभिमान को चोट पहुंची है। आए दिन निर्दोष लोगों की हत्याएं, बच्चों के साथ दुष्कर्म, 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा अभी तक कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। 1,19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क की गई, 1,350 किसानों को सरकार की गलत नीति की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। राजे ने सभा के दौरान पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि 19 बार पेपर लीक होने से 70 लाख युवाओं का भविष्य चौपट में हो गया है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, नरेगा में मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, राजस्थान दुष्कर्म, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, कर्ज, बेरोजगारी में के कीर्तिमान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि अब सरकार हार में भी कीर्तिमान मनाएगी। कार्यक्रम के अंत में राजे ने भाजपा प्रत्याशी प्रताप बिल का विजयमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओके, 19 किलोमीटर की गोगुंदा सड़क का निर्माण, 10 किलोमीटर गोगुंदा से रुलेश्वर जी रोड का, सायरा पंचायत समिति का ये बता रहे थे अभी आपको मालूम है वहाँ जाति का एक्टिव हुआ, उसकी तरफ से मैं आपका नाम ले रही हूँ। गोगुंदा को टीएसपी क्षेत्र घोषित करने का काम हमने वादा किया था, छोटा है आप लोग तो हो गया, ऐसे कह रहे हो जैसे सब्जी खरीद के ला रहे हो बाजार से, इतना आसान नहीं था हम लोगों के लिए। 16 करोड़ की लागत से गोगुंदा में एकलव्य जनजातीय आवासीय विद्यालय, गोगुंदा में राजकीय महाविद्यालय, गोगुंदा सायरा बड़गांव में ITI, सायरा बेगरियम में जनजाति बालिका छात्रावास का निर्माण, महाराणा प्रताप राजनीतिक स्थल गोगुंदा में विकास कार्य, सभी ग्राम पंचायत में ग्रामीण गौरव पंच हो गए कि नहीं हो गए। तो मैं समझती हूँ कि बहुत फर्क आपको देखने को मिलता, पर अब ये जल स्वावलंबन चालू हो जाएगा तो उसका पूरे इस क्षेत्र के अंदर फायदा आपको देखने को मिलेगा। किसानों के उत्थान के लिए जो गेहूं की उपज है उसको 2,700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का काम अब सरकार करेगी। पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण, शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण, 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्रों को तो हम वैसे भी स्कूटी दे रहे थे पर तो और बड़ा चढ़ा के हम बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और आशा के कार्यकर्ताओं का पैसा बढ़ाया जाएगा, और जो बच्चियां होती हैं, वैसे तो मैंने भी स्कीम रखी थी आपको याद होगा राजश्री, परंतु अब 2 लाख का बॉन्ड उसके पैदा होते हुए उसको मिल जाएगा ताकि जब वो बड़ी हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी, तो उसके पास कुछ पैसा अपने बैंक में जमा रहेगा। मैं ये सब चीजें आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि ये भाजपा की सरकार है। अब इन्होंने वादा किया कि उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो ये बिजली नहीं देंगे, हम उसको फ्री देंगे, 100 यूनिट आपको फ्री मिल जाएगा। आप लोगों ने, मैं ये पूछ रही हूँ, जब है ही नहीं बिजली तो कहाँ से फ्री लोगी? फ्री नहीं, जब बिजली आए तो फ्री हो। उन्होंने कहा कि 100 यूनिट हम आपको फ्री देंगे, आपके एक जेब में से दूसरे जेब में जा रहा है और आपको मालूम ही नहीं।
अगर बिल्कुल लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप। नारा देने वाले सब लोग बैठे हुए हैं, इतनी सारी माताएं बहनें आई हुई हैं। मैं जब भी मीटिंग में आती हूँ सबसे पहले आंख में देखने की कोशिश करती हूँ कि ये ऐसे ही राम राम करने आए हैं कि वाकई में अपना वोट डालने की मूड से आए हैं। तो यहाँ मेरे सामने बैठे हुए, अब एक मिनट, आप लोग सब प्लीज हाँ इधर बैठ जाओ। आप लोग अंदर, हम लोगों ने मेहनत करके और यह आपका महाराणा प्रताप का एक बहुत बड़ा काम अपन ने किया था, उसके लिए पैसे भी अपन ने दिए थे। मुझे याद है वहाँ दर्शन करने में भी जाती हूँ जब भी अपन यहाँ आते हैं। अब आप लोगों ने अब चुनाव का काम कर दिया तो चुनाव में जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, परंतु ये एक ऐसा पावन धाम है जिसके अंदर जो लड़ाई जीती जाती है, जो लड़ाई लड़ता है और जनता को ध्यान में रखकर लड़ता है वो जीत कर यहाँ से जाता है। इसीलिए आज इस मंच पर 10 दिन के अंदर सब पूरे किसान लोगों को हम सब कर्जे सब कर्जे माफ कर देंगे। अरे हमारी सरकार ने आपके बीच में आके अपना पूरा अकाउंट दिया, गौरव यात्रा निकाली, उस गौरव यात्रा के अंदर मैंने आप लोगों को सब समझा। 5-5 साल में अपनी आदत हो गई भूल जाने की, तो आते हैं हम लोग तब आपको याद दिला के जाते हैं, तभी होगा ये काम। मैं इसी तरीके से टीएसपी क्षेत्र के अंदर 2 वर्ष में जो कम सजा लोगों को मिली थी, ऐसे लोगों को जो मामले थे हमने न्यायालय से वापस लेने का काम कर दिया कि क्या परिस्थिति हुई होगी जब उनका बच्चा सब पढ़ लिख कर इनके खर्चे के बाद घर पे आके बैठता है, कितना दुखी वो बच्चा हो जाता है कि मैं अभी तक नौकरी नहीं कर पा रहा, ये पेपर लीक की वजह से हुआ है। और भाइयों, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जब बनेगी तो सबसे पहले हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ और जिन्होंने ये करवाया उनको बंद करने का काम ये सरकार इंक्वायरी करवा के कराई, ऐसे बंद नहीं निकला था। इस घोषणा पत्र के अंदर भी हम लोगों ने कुछ सोचा है, 6,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में आता था प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, उसको प्रधानमंत्री जी ने सबके बारे में सोच करके डबल कर दिया है, अब 12,000 हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर महीने एक किसान के खाते में 1,000 रुपये जरूर आ जाता है। 24 घंटे घरेलू बिजली की बात उन्होंने की है, मैं आप लोगों को बिजली के बारे में पूछना चाहती हूँ, भाई बताओ, यहाँ इनने वादा किया था, आजकल वो वादा का नाम गारंटी हो गया है, पहले वो वादा कहते थे, आप लोग बातों में आ जाते थे, अब उन्होंने सोचा कि ये वादा शब्द आप लोग सबको दिमाग में आ गया है, उसका नाम बदल के उन्होंने उसको गारंटी कर दिया है। ये वादे जो हुए थे वो वादे पूरे हुए कि नहीं, ये मैं आप लोगों से पता करना चाहती हूँ। अब वो तो आप लोगों को बैठना पड़ेगा, UIT को देखना पड़ेगा, UIT देखने के बाद एक दफा बातचीत करके आप लोग इनको सेटिस्फाई करें। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से सरकार घुटने के बल आ जाए, ऐसी चीजें हैं क्योंकि ये तो आप ही का पैसा है, आप ही पे लगना है। और मैं इनको ये कह रही हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि अपने भाजपा के लोग जो हैं वो किसी की जेब में हाथ डालना पसंद नहीं करते। और आप जानते हो कि पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार तो आज चरम सीमा पर है, किसान लोग यहाँ बैठे हुए हैं।